My name is Ravi Kumar. Welcome to Accurate Info by Ravi. Today my topic is food cost in Singapore. आज का जो टॉपिक है थोड़ा इम्पोर्टेंट है. लोगों ने सवाल पूछे थे कि सर जो अगर हम सिंगापुर में जॉब कर रहे हैं और सिंगापुर में रह रहे हैं तो जो खाने की कॉस्ट कितनी आएगी. सो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नया है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर दो जो सिंगापुर में आना चाहते हैं. प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन फ्यूचर में मेरी आने वाली वीडियो की मिल सके. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. जो खाने की कॉस्ट क्या है इन सिंगापुर में, क्योंकि काम करने के लिए आ रहे हैं लोग, वर्क परमिट पर आते हैं, एस पास पर आते हैं, एम्प्लॉयमेंट पास पर आते हैं और उन सब की सैलरी डिफरेंट होती है. सो आज का जो एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि सर हमारा जो एकोमोडेशन का आपने पहले बताई दिया, लेकिन हमारे फूड कॉस्ट क्या है, कि कुछ सेविंग्स होती है नहीं होती या खाना खर्चा रहने इसी में सारा पैसा चला जाता है. सो उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे. अगर हम खाने की बात करें तो सिंगापुर में जो खाना है वो आप दो तरह से मीन्स कंज्यूम कर सकते हैं, मीन्स दो तरह से ले सकते हैं. पहला तो होता है कि आप घर में बना के अपना खुद खाना बना सकते हैं और दूसरा तरीका है बाहर से खरीद सकते हैं. सो जो आप घर से बना रहे हैं जो खाना उसकी कॉस्टिंग क्या है और जो बाहर से हम खरीद कर खाते हैं उसकी कॉस्टिंग क्या है, हम उसको आज थोड़ा पूरा समझेंगे. तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें. अगर हम पहला टॉपिक है कि हम घर पर खाना बनाते हैं तो हमारा कितना खर्चा आता है एक महीने का. अच्छा चलो, अगर मैं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया और इंडियंस की बात करूं कि जो घर पर खाना बनाते हैं उनका एक महीने का खर्चा कितना आता है, तो मैं बता देता हूं कि $300 से 400 की रेंज के बीच में आता है. अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि मैं अगर हम घर पर खाना बना रहे हैं पर वीक के हिसाब से अगर देखा जाए, तो अगर जैसे मानो 1 किलो चिकन, 1 किलो फिश, 5 किलो वेजिटेबल्स, ऐसा कुछ करके दाल मसाले, आटा, चीनी, चावल, अगर हम इनको खरीदते हैं एक हफ्ते का आपका ज़्यादा से ज़्यादा $70 to $80. अगर हम मिल्क लेते हैं तो $2 का एक लीटर आता है, तो 2 या 3 दिन आपका चल जाता है. और अंडे लेते हैं, जैसे एग ले रहे हैं, तो 10 पीस जो आते हैं वो आते हैं $1.50 के आते हैं. सो कुल मिला के अगर आप घर पर खाना बनाते हैं, अच्छा मील बनाते हैं, मीट है, वेजिटेरियंस है एंड नॉन वेजिटेरियंस प्रोडक्ट्स जो हैं आप इन सबको कंज्यूम करते हैं, मिल्क ब्रेकफास्ट, इसमें मिल्क ब्रेकफास्ट एंड डिनर आपका सब इंक्लूड हो जाएगा और $300 से $400 मैक्सिमम $400 आपका खर्च होगा अगर आप घर पर खाना बनाते हैं तो. मैक्सिमम बता रहा हूँ और कम से कम मिनिमम $200 के आसपास अगर आप घर पर बनाते हैं, खुद पैकिंग करके ले जाते हैं जहाँ आप ड्यूटी पर या जॉब पर कर करते हैं, तो $200 मिनिमम और मैक्सिमम $400, उसके ऊपर मेरे हिसाब से खर्चा नहीं आ सकता. अच्छा अगर हम बाहर से पैकिंग की बात करें तो इधर जो होते हैं एक कॉफ़ी शॉप्स होते हैं और एक डोमेट्री, इसमें जो होती है फूड किचन्स होती हैं. अगर आप उनसे मंथली बनाते हैं तो एक टाइम का मील, अगर मैं कॉफ़ी शॉप की बात करूँ, जो एक टाइम का मील है $4 to $5 होता है. उसमें आपको राइस मिलेगा, चिकन मिलेगा, 2 वेजिटेरियंस मिलेगी और चिकन या फिश या मटन और वेजिटेबल्स जो होती है वो 2 तरह की मिलेंगी और उसके साथ कोई दाल या कुछ करी समथिंग. सो एक जो मील जो बनता है प्लस अगर आप कॉफ़ी लोगे तो $5.50 की एक टाइम का मिलेगा. अगर आप 2 टाइम खाते हैं तो $11 और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अगर आप एग ब्रेड एंड चाय या कॉफ़ी कुछ भी लेते हैं तो $2.50. तो कुल मिला के $13 के आसपास खर्चा होता है आपका एक दिन का, प्लस $2 एक्स्ट्रा समझ सकते हो तो $15 आपका अगर आप बाहर से खाना खाते हैं. सो इसमें ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर इंक्लूड होता है. मैंने आपको बताया था ब्रेकफास्ट में एग मिल्क या एग टी या कॉफ़े और ब्रेड, ये $3 के आसपास होता है, $2.50 से $3 का. जो आप लंच करते हैं वो $5 या $6 या 4 साढ़े 4 के आसपास बनता है. शाम का डिनर भी आपका ऐसा बनेगा तो कुल मिला के $15 के आसपास बनेगा. तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो 450 के आसपास आपका खर्चा आ जाता है वह खाने का. और अगर घर पर बनाते हैं तो 200 से 420 का आता है, लेकिन उसमें जो क्वान्टिटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है. और अगर आप खुद कुक करेंगे तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कुक कर सकते हैं. सो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी तो खाने का खर्चा कितना आता है. अब लोग घर पर क्यों खाना बनाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की सैलरी जो है वो कम होती है, जैसे एग्जाम्पल $1500 है, $1000 है, तो वो
अफोर्ड नहीं कर सकते कि बाहर से खाना खाया जाए, तो मोस्टली क्या करते हैं, वो एक वीक बाहर खाते हैं, दूसरे वीक में बना लेते हैं, संडे बाहर खा लेते हैं। सो कुल मिला के उनका जो खाने का खर्चा जो आता है $300 के आसपास आता है। और अगर आप फुल सेवर्स हैं, फुल सेविंग करना चाहते हैं, तो आपका खर्चा $250 के ऊपर आएगा। अगर आपकी सैलरी कुछ ज़्यादा है, $4,000 $3,000 आप बाहर भी अफोर्ड कर सकते हैं। सो ये फूड कॉस्टिंग का ये सिंगापुर में मेरा वीडियो थी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो बता देना और कुछ कमेंट में पूछ लेना अगर सिंगापुर के बारे में कुछ और भी वीडियो बनानी जानना चाहते हो। सो थैंक यू वेरी मच।